अनलॉक के बाद सरकार की आदेश प्राप्त होते ही जो अब रेलवे ने 200 लगभग ट्रेनें चलाने की जो अनुमति दी है उसके तहत आज श्रमजीवी एक्सप्रेस दिल्ली रवाना हुई। इस ट्रेन से काफी संख्या में रेल यात्री भी आरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हुए। कोरोना वायरस के डर से रेल प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने कई सावधानियां भी बरती। रेल यात्रियों को 90 मिनट पहले आरा रेलवे स्टेशन आने की भी अनुमति दी गई, साथ में मास्क का उपयोग अवश्य करने की हिदायत भी दी गई है। 31 मई तक लॉकडाउन 4 होने के बाद सरकार ने 1 जून से अनलॉक कर दिया। इस अनलॉक में अब सरकार ने आम जनता की परेशानी को देखते हुए 200 ट्रेनें चलाने की अनुमति दी, जिसमें आज पहली बार श्रमजीवी एक्सप्रेस से काफी संख्या में यात्री दिल्ली रवाना हुए। इस यात्री ट्रेन के प्रारंभ होने से रेल प्रशासन भी काफी ही चौकस है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जिस प्रकार गर्मी की तापमान बढ़ रही है, उसी प्रकार भोजपुर में कोरोना के मरीज भी बढ़ रहे हैं, और इसको देखते हुए रेल प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने सभी रेल यात्रियों को 90 मिनट पहले आरा रेलवे स्टेशन पर आने की अनुमति प्रदान की है। साथ में सभी यात्रियों को सैनिटाइजर करने के बाद मास्क को काफी ही आवश्यक निर्धारित किया है। बिना मास्क के एक भी यात्री सफर नहीं कर पाएंगे। आइए देखिए किस प्रकार आज काफी संख्या में रेल यात्रियों ने दिल्ली के लिए रवाना हुए। Thank you.
कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं? सर हम दिल्ली स्पेशल से। और दिल्ली में ही जॉब करते हैं क्या आप? नहीं, मैं पटियाला में जॉब करता हूँ। पटियाला में जॉब करते हैं, यहाँ लॉकडाउन में फंसे थे तो बोले अब रिजर्वेशन मिल गया आपको, आराम से आप चले जाएंगे दिल्ली। सोशल डिस्टेंस वगैरह लॉकडाउन का नियमों का भी तो पालन करना, वो सब कर रहे हैं, कर भी रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। मेरा मनोज कुमार सिंह। मुंबई जाना है। अच्छा। और हम आ रहे हैं अरवल जिला से, और हमारा ग्राम हुआ यानी मनेरी बिघा। अच्छा। कल्याण हम उतरेंगे, भी मंडी जाना है। इतना पहले क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि गाड़ी वाले कोई राजी नहीं है आने के लिए। अच्छा। तो फिर हम ऑटो बुक किए। ऑटो से अरवल से आए हैं? हाँ, अरवल से हम ऑटो से आए हैं। अच्छा। और यहाँ तक ऑटो वाले छोड़ के चले गए। अच्छा। हाँ, फिर शाम को आने के लिए राजी नहीं थे, बोले सवेरे चलिए हम छोड़ के चले जाते हैं। तो साथ में पहुँचाने मेरे देवर आए थे, और मेरे देवर पहुँचा के चल गए। कहाँ जाना है आपको? कल्याण उतरेंगे। कल्याण उतरेंगे, वहाँ पर कहाँ मने रहते हैं? कल्याण में नहीं, भी मंडी में रहते हैं। अच्छा। कल्याण के पास में। वहाँ क्या करते हैं आप? हमारे आदमी वहाँ लूम चलाते हैं, पावर लूम। अच्छा। हम घर में खाना दाना पकाते हैं। क्या नाम है आपका? जरीना अंसारी। पति का नाम? मोहम्मद हदीस अंसारी। पति कहाँ है? मुंबई में ही है? हाँ, वहीं है, बच्चे उच्चे सब वहीं फंसे हैं, हम यहाँ आ गए। पहले से आ गई थी क्या? जी, मैं 3 महीना से आके यहाँ फंसी हूँ।